तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दो नोड आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि लैपटॉप वन से लैपटॉप टू को एक डेटा पैकेट भेजना है, तो वो आप कैसे सेंड करोगे और उसके बीच में क्या मैकेनिज्म फॉलो होगी। ठीक है, तो ओमनेट एक तरह का सिमुलेटर ही है जिसमें हम सिमुलेशन करके देखेंगे कि पैकेट कैसे ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि एक नोड से दूसरे नोड को डेटा कैसे सेंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट द ओमनेट। तो ये मैंने ओमनेट स्टार्ट किया। नाउ वी हैव टू क्रिएट द वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस लाइक फर्स्ट वी हैव टू गिवन द सम लॉजिकल नेम लाइक प्रोजेक्ट्स लॉन्च। वर्क स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट जहां पर आपके सारे प्रोजेक्ट्स स्टोर होंगे। ठीक है, तो देर इज अ वेलकम स्क्रीन, सो जस्ट क्रॉस इट। अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना रहे तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। इंस्टॉल आईनेट फ्रेमवर्क और इंपोर्ट ओमनेट प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल, जस्ट कैंसिल टू दिस ऑप्शन। नाउ दिस इज द वेलकम स्क्रीन, जस्ट क्रॉस इट, अगेन क्रॉस इट। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, सो जस्ट क्लिक ऑन द फाइल न्यू एंड देर इज अ ऑप्शन इज ओमनेट प्लस प्लस प्रोजेक्ट। सो गिवन द नेम ऑफ प्रोजेक्ट इज लाइक लैपटॉप टू लैपटॉप कम्युनिकेशन, लाइक लैपटॉप टू लैपटॉप। नाउ वी हैव टू सी द लोकेशन ऑफ माई प्रोजेक्ट इज, प्रोजेक्ट इज द वर्क स्पेस एंड लैपटॉप टू लैपटॉप इज योर प्रोजेक्ट नेम एंड द सपोर्टेड डेवलपमेंट टूल्स आर सी प्लस प्लस। इसका मतलब ये है कि जो इसकी प्रोग्रामिंग होगी वो किस में होगी, सी प्लस प्लस में होगी। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन द नेक्स्ट। एम्प्टी प्रोजेक्ट, वी हैव टू सेलेक्ट द एम्प्टी प्रोजेक्ट। वाई? अगर मैंने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया एम्प्टी प्रोजेक्ट विथ SRC एंड सिमुलेशन फोल्डर, तो क्या होगा कि जो मेरी सोर्स फाइल्स होगी और जो मेरी एग्जीक्यूशन फाइल होगी वो कहाँ पर होगी, SRC के अंदर होगी और सिमुलेशन फोल्डर के अंदर होगी। अगर मैं एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो होता क्या है कि जितनी भी फाइल्स है वो एक फोल्डर के अंदर ही होगी। अभी हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, तो हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एम्प्टी प्रोजेक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या है, एग्जाम्पल के आप कोई प्री डिफाइंड टॉपोलॉजी अगर आप अपने प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो थर्ड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट देन डीबग एंड रिलीज फिनिश। ठीक है, तो अब यहां पर आप लेफ्ट साइड के पैनल पे देखेंगे तो एक लैपटॉप टू लैपटॉप एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसे ड्रैग आउट करूं तो यहां पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मींस कि अगर मैं ये कहता हूँ कि एक लैब है, उस लैब के अंदर मैं दो कंप्यूटर रख देता हूँ और उन दो कंप्यूटर्स में कनेक्शन वायर्स कर देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि नेटवर्क की मिनिमम डेफिनेशन क्या है, टू नोड्स, इट मींस टू लैपटॉप्स टू सर्वर्स टू PC। तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आप जस्ट इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पर न्यू पे जाओ और देर इज ऑप्शन इज सिंपल मॉड्यूल। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल मॉड्यूल पे क्लिक किया और यहां पर मैंने नेम दे दिया लाइक लैपटॉप, लैपटॉप डॉट NED। NED मीन्स नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल। ठीक है, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया सिंपल मॉड्यूल, नेक्स्ट देन फिनिश। तो यहां पर आप देख रहे हो लैपटॉप का डायग्राम क्रिएट हो गया और यहाँ पर दो टैप है, डिजाइन एंड सोर्स। इसका मतलब ये है कि जो भी चेंजेस आप डिजाइन में करोगे सोर्स में अपने आप चेंजेस हो जाएगा, जो सोर्स में आप चेंजेस करोगे वो डिजाइन में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका सोर्स पार्ट देखूँ तो ये रहा, मैं इसको थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ।
ठीक है, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि एक फादर नोड है, ठीक है, और उस फादर नोड में जो भी क्वालिटीज़ मैं डालूँगा तो वो उसकी चाइल्ड नोड्स में आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक लैब है, उस लैब में अगर मैंने दो पीसी रखे, ठीक है, तो दोनों पीसी क्या है, चाइल्ड नोड्स हैं, तो चाइल्ड नोड्स के क्या होंगे, एक फादर नोड होगा, तो फादर नोड को मैं बताऊंगा कि चाइल्ड नोड्स कैसे रिएक्ट करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, मतलब फादर नोड में जो भी क्वालिटीज़ डालूंगा वो इनहेरिट हो जाएगी अपनी चाइल्ड नोड्स में। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए जो लैपटॉप है, सिंपल मॉड्यूल है, वो एक क्या है, फादर नोड है। अब उसके चाइल्ड नोड्स का मैं बनाऊंगा नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो अगर मैंने सिंपल मॉड्यूल बनाया एक लैपटॉप नाम से, और जो कि एक क्या है, फादर नोड है, हाइपोथेटिकल मैं मान लेता हूँ कि एक फादर नोड है, तो फादर नोड में क्या कहता हूँ कि एक लैपटॉप के पास क्या क्या होना चाहिए, एक लैपटॉप के पास एक उसका पैरामीटर्स होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका पैरामीटर डिक्लेयर किया, पैरामीटर्स इंटीजर लैपटॉप अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो मैंने एक पैरामीटर डिक्लेयर कर दिया। अब मैं ये कहता हूँ कि इसके कुछ गेट्स भी होने चाहिए, तो मैंने गेट्स डिक्लेयर कर दिए, लाइक इनपुट लैपटॉप अंडरस्कोर इन, और मैंने एक आउटपुट गेट भी क्रिएट कर दिया विच इज लैपटॉप अंडरस्कोर आउट। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो लैपटॉप है वो एक फादर नोड है। अब फादर नोड के पास क्या है, एक उसकी खुद की आईडी है और उसके खुद के दो गेट्स हैं विच इज लैपटॉप इन और लैपटॉप आउट, मतलब उसका एक इन गेट है और एक है आउट गेट है। यहां तक आपको क्लियर? अब हमें करना क्या है कि अगर मैं इसके चाइल्ड नोड्स बनाता हूं, ठीक है, तो चाइल्ड नोड्स के भी पास क्या होंगे, हर के पास अपनी एक लैपटॉप आईडी होगी और हर के पास अपना एक इन गेट होगा और आउट गेट होगा। ठीक है, अगर मैं इस पे डिज़ाइन पे जाऊं, तो मैंने क्या कहा था, जो चेंजेस आप सोर्स में करोगे डिज़ाइन में हो जाएंगे। तो अभी मैंने कुछ चेंजेस किए नहीं, अभी मैंने पैरामीटर डिफाइन किए हैं और गेट्स डिफाइन किए हैं। अगर सपोज करता हूं कि अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, ठीक है, अगर मान लो मैं इसको डिलीट कर देता हूं और वापस मैं डिज़ाइन पे जाता हूं, तो मैं अगर इस पर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन है पैरामीटर्स, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं पैरामीटर डिफाइन कर सकता हूँ। तो जैसे करके देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, नेम में लिख दिया मैंने लैपटॉप अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, वन सेकेंड, लैपटॉप अंडरस्कोर आईडी इज ओके। देख, अब देखते हैं कुछ चेंजेस हुए क्या। तो सोर्स में क्या, तो पैरामीटर्स लैपटॉप अंडरस्कोर आईडी आ गया। अगर मैं यहां पर राइट क्लिक करूं आप, सपोज करते हैं कि मुझे इस लैपटॉप का आइकन कुछ अलग रखना है, ये लैपटॉप का आइकन ऐसा नहीं रखना मुझे, तो मुझे कुछ चेंज करना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं एड डिस्प्ले अंडरस्कोर आई इक्वल्स टू डिवाइस स्लैश लैपटॉप। देखें कुछ चेंजेस हुआ, तो आप देख रहे हो यहां पर जो आइकन पहले कुछ और था, अब सिंबल क्या आ गया, लैपटॉप। अगर मैं इसकी जगह कर दूं सर्वर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सर्वर का सिंबल आ जाएगा। तो एड डिस्प्ले आई इक्वल्स टू डिवाइस लैपटॉप जो मैंने लिखा है, इसका लॉजिकली कोई मीनिंग नहीं है, इसका सिर्फ मीनिंग ये है कि आप अपना कम्युनिकेशन कैसे शो कर रहे हो। ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग को थोड़ा विजुलाइज करने का तरीका है। ठीक है, इस कोड का मतलब कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ गेट्स भी डिफाइन करने पड़ेंगे। तो गेट्स मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां दो चीजें मैं डिफाइन करती, लैपटॉप आईडी और दो गेट्स, लैपटॉप अंडरस्कोर इन, लैपटॉप अंडरस्कोर आउट। अब मुझे क्या करना है कि इसके दो चाइल्ड नोड्स क्रिएट करने, तो चाइल्ड नोड्स कहाँ क्रिएट होंगे, नेटवर्क एनईडी के अंदर, क्योंकि नेटवर्क की मिनिमम डेफिनेशन क्या है कि उसके बाद दो नोड्स होने चाहिए। तो यहां पर क्लिक करते हैं। अब देखिए, अगर मैंने सिंपल मॉड्यूल की एक फाइल बनाई,
तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी सोर्स फाइल और डॉट एच फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई। अगर आप सिंपल एनईडी लेते तो यहाँ पर डॉट सी सी फाइल भी आपको अलग बनानी पड़ती, डॉट एच फाइल भी आपको अलग बनानी पड़ती, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल मॉड्यूल लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मतलब डॉट एच डॉट सी सी क्या है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है, जहाँ पर आप उसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे कि नोड कैसे ट्रेवल करेगा, ठीक है, और जब भी हैंडल होगा मैसेज तो क्या क्या पॉलिसी उस पर अप्लाई की जाएगी। एनईडी फाइल क्या होती है, जस्ट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब मुझे दूसरी एनईडी फाइल क्या बनानी है, नेटवर्क वाली, जहाँ पर इसके चाइल्ड नोड्स क्रिएट होंगे। तो नेटवर्क के लिए मैं कहाँ जाता हूँ, नेटवर्क वाली फाइल पर जाता हूँ, नेटवर्क पर क्लिक किया। अब नेटवर्क का नेम दे देता हूँ, लाइक मैं नेटवर्क का नेम दे देता हूँ लाइक लैब नेटवर्क, ठीक है। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया और एम्प्टी नेटवर्क सेलेक्ट किया। एम्प्टी क्यों, क्योंकि मैं कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नहीं बना रहा। आप अगर सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन भी चूज करते हैं तो प्री डिफाइंड कोई टॉपोलॉजी अगर आपके पास है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, देन फिनिश। अब वही यहाँ पर भी दो टैप हैं, डिज़ाइन एंड सोर्स। जो भी चेंजेस आप नेटवर्क में करोगे, जो भी चेंजेस आप सोर्स में करोगे, वो अपने आप रेप्लिकेट हो जाएंगे डिज़ाइन एंड सोर्स में, ठीक है। तो अब मेरा पहला काम क्या है, मेरा पहला काम ये है कि जो लैपटॉप डॉट एन ई डी है उस वो जो एक फादर नोड है उसके चाइल्ड नोड्स बनाने हैं। तो या तो मैं कोड लिखूँ, है ना, कोड लाइक मैं ऐसे लिखा सब मॉड्यूल्स अंडरस्कोर लैपटॉप वन कॉलन, इसका मॉड्यूल का नेम क्या था, लैपटॉप, है ना। या तो मैं कोड ऐसे लिखूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स यूज कर सकता हूं डिजाइन में से, क्योंकि जो चेंजेस मैं डिजाइन में करूंगा सोर्स पे अपना कोड लिखा आ जाएगा। तो मैंने ये क्या, अब देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ, लैब नेटवर्क, मतलब ये क्या नेटवर्क है, और ये जो स्क्वायर बॉक्स आ रहा है ये क्या पूरा नेटवर्क है। अब यहां पर कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स अवेलेबल है, तो जो भी हमने लैपटॉप डॉट एन ई डी बनाया था, जो कि हमारा फादर नोड था, वो सिंपल मॉड्यूल कहाँ आ गए, यहाँ पर लैपटॉप में। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और उसको यहाँ ड्रॉप करूँ, ठीक है, तो एक लैपटॉप मैंने सेलेक्ट कर दिया, मतलब एक चाइल्ड नोड मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इसे मैं स्ट्रेच आउट कर देता हूँ और एक और लैपटॉप मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर कितने नोड प्लेस हो गए, अब दो नोड प्लेस हो गए, लैपटॉप लैपटॉप वन। इसका नेम चेंज कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज ना हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसे लैपटॉप टू। तो अब दो नोड हो गए, द फर्स्ट वन इज, यहाँ पर मैं प्लेस करता हूँ इसे यहाँ पर, तो एक नोड तो क्या हो गया लैपटॉप वन और एक नोड क्या हो गया लैपटॉप टू। तो अगर मैं सोर्स पे जाके क्लिक करूँ तो देखिए कोड आ गया। एड डिस्प्ले का मतलब तो कुछ भी नहीं है, एड डिस्प्ले क्या होता है, विजुअल आपको रिप्रेजेंटेशन करना हो तो, ठीक है। तो बी जी पी क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एंड वाई में डिवाइडेड होते हैं पूरे, जो ये अब रेक्टेंगल बॉक्स हैं। तो मैंने सब मॉड्यूल्स क्रिएट किया, तो फर्स्ट वन इज लैपटॉप टू, तो लैपटॉप टू किसका सब मॉड्यूल है, लैपटॉप का, मतलब मैं ये कह सकता हूँ लैपटॉप टू एक चाइल्ड नोड है, किसका, फादर नोड लैपटॉप का। और एक और मैंने चाइल्ड नोड क्रिएट किया था लैपटॉप वन, और वो क्या था लैपटॉप का। तो दो चाइल्ड नोड क्रिएट हो गए। अब इनके पास क्या है, इन दोनों के पास गेट्स भी हैं इंडिविजुअली, क्योंकि फादर नोड के पास क्या है लैपटॉप अंडरस्कोर इन है, लैपटॉप अंडरस्कोर आउट है, तो इसके पास भी लैपटॉप अंडरस्कोर इन होगा, लैपटॉप अंडरस्कोर आउट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, फिर मुझे कनेक्शंस भी करने पड़ेंगे, अदरवाइज मुझे कोड लिखना है तो मैं कोड लिखूँ कनेक्शन, ठीक है, या फिर मैं डिज़ाइन पर जाऊँ और यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है कनेक्शन, तो मैंने कनेक्शन पर क्लिक किया। अगर मैं लैपटॉप वन के आउट को लैपटॉप टू के इन से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि दोनों के पास इन और आउट है, पर लैपटॉप वन का आउट किससे कनेक्ट होगा, लैपटॉप इन से, और लैपटॉप टू का आउट किससे कनेक्ट होगा, लैपटॉप वन के इन से, ठीक है। तो अगर मैं सोर्स पे क्लिक करूं तो यहां पर आप देख सकते हो कनेक्शंस कि लैपटॉप वन का जो आउट था वो किससे कनेक्ट हो गया, लैपटॉप टू के इन से, और लैपटॉप टू का आउट किससे कनेक्ट हो गया, लैपटॉप वन के इन से, ठीक है। तो यहां पर मैंने कनेक्शंस भी कर दिए। अब मैंने एक और चीज़ ली थी, एक और चीज़ में क्या ली थी, लैपटॉप आईडी। इसका मीनिंग क्या है कि लैपटॉप वन के पास भी एक आईडी होगी, लैपटॉप टू के पास भी एक आईडी होगी। तो या तो मैं ये करूँ कि या तो मैं यहाँ पर लिख दूँ कोड कि लैपटॉप आईडी इक्वल्स टू वन दे दूँ और उसको लैपटॉप आईडी इक्वल्स टू टू दे दूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, पहले सेलेक्टर यूज़ करता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और पैरामीटर्स पर जाता हूँ। अब अगर मैं पैरामीटर पर गया
तो फादर नोड के पास क्या थी, लैपटॉप आईडी, तो इसके पास भी क्या होगी, एक लैपटॉप आईडी। अब इसकी वैल्यू अगर मैं दे दूं लैपटॉप वन पे वन और ओके क्लिक करूं, और यहां पर मैं वैल्यू देता हूं टू, तो कोड में देखें तो क्या चेंजेस हुए। तो देखो लैपटॉप टू के पास क्या आ गई, आईडी लैपटॉप टू, और लैपटॉप वन के पास आईडी क्या आ गई, लैपटॉप वन। तो इससे यहां पर दो चीजें मैंने क्रिएट कर दी, इसको सेव कर देते हैं। तो दो चीजें मैंने क्रिएट की, द फर्स्ट वन इज लैपटॉप डॉट एनईडी विच इज फादर नोड हाइपोथेटिकली, और उसके मैंने दो चाइल्ड नोड्स बनाए, द फर्स्ट वन इज लैपटॉप टू और लैपटॉप वन, और उनकी जो प्रॉपर्टीज थी क्या थी, गेट्स और पैरामीटर्स, तो वो मैंने डिफाइन कर दिए, विच इज लैपटॉप आईडी मैंने इसको टू दे दी, इसको लैपटॉप आईडी मैंने वन दे दी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस नेटवर्क को रन करना है, तो रन करने के लिए आपको एक और फाइल बनानी पड़ेगी, विच इज न्यू पे आप क्लिक करेंगे और इनिशियलाइजेशन फाइल, डोंट चेंज द नेम ऑफ ओमनेट पीपी डॉट आई एन आई, मतलब इस इनिशियलाइजेशन फाइल को आप, मतलब इसका नेम आपको चेंज नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको चेंज कर दोगे तो आपको पूरे एनवायरमेंट की सेटिंग्स में जाकर चेंज करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आपने क्लिक किया, एम्प्टी सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। इस फाइल का मतलब ये होता है कि सपोज करते हैं कि अगर अभी आपने दो नोड बनाए हैं, लैपटॉप वन लैपटॉप टू, पर मैं मान लो कि मैं बनाता हूँ पांच नोड, लैपटॉप वन लैपटॉप टू लैपटॉप थ्री लैपटॉप फोर लैपटॉप फाइव, ठीक है, और लैपटॉप वन लैपटॉप टू को एक नेटवर्क में कनेक्ट कर देता हूँ, लैपटॉप थ्री फोर फाइव को एक दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट कर देता हूँ, तो जब भी मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो वो पूछेगा कि आपको किस नेटवर्क को रन करना है, विच नेटवर्क यू वॉन्ट टू रन, तो मुझे सेलेक्ट करना होगा। तो ये आई एन आई फाइल डिसाइड करती है कि आपको किस नेटवर्क को रन करना है। तो मैंने ब्राउज किया, अब यहाँ पर अभी मैंने एक ही नेटवर्क बनाया, तो लैब नेटवर्क नाम से मेरा नेटवर्क था, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया इसको, ओके नेक्स्ट देन फिनिश। इसके भी दो टाइप है, फॉर्म एंड सोर्स, जो भी आप चेंजेस फॉर्म में करोगे सोर्स में होंगे, जो सोर्स में करोगे फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर। अब मैं इसे बिल्ड करके देखता हूँ। ठीक है, बिल्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि जितनी भी आपकी फाइल्स या कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो सब क्या हो जाएगी, कंपाइल हो जाएगी। तो देखते हैं कंपाइल करने के बाद कुछ एरर आते हैं क्या। तो देखो कुछ एरर नहीं है, एक वार्निंग आई है सिंपल सी। ठीक है, उन्होंने बोला इग्नोरिंग डुप्लीकेट लाइब्रेरीज, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। अब क्या होगा, मैं इसको रन भी करता हूँ, तो रन एज ओमनेट प्लस प्लस पे मैंने क्लिक किया, ओके किया, रिलीज किया, ठीक है। तो यहां पर जब मैंने रन किया एक सिमुलेटर जो मैंने रन किया, विच इज नेम इज QTENV, ये क्या होता है, एक टर्मिनल विंडो है जो कि आपको सिमुलेशन प्रोवाइड करती है, मतलब आपका रन टाइम सिमुलेशन। तो मैंने यहां पर दो नेट, एक नेटवर्क बनाया था विच इज लैब नेटवर्क, ये नेटवर्क था, उस नेटवर्क के अंदर मैंने दो चैनल बनाए, लैपटॉप वन लैपटॉप टू। अगर अब मैं इस पर क्लिक करूं रन बटन पे, ठीक है, तो होगा क्या, अभी कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो कि .cc.h थी, उसमें कोई कोड लिखा ही नहीं, कोई पैकेट बनाया नहीं कि जो कि ट्रैवल हो। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो होगा क्या, नो मोर इवेंट सिमुलेशन कंप्लीटेड एट t=0 पे, मतलब कोई भी इवेंट आपका क्रिएट नहीं हुआ और कुछ भी आपका रन नहीं हुआ। तो जस्ट ये आपको शो करने के लिए था कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचोगे। तो उसके लिए मैंने अब फिजिकल एनवायरनमेंट तो क्रिएट कर दिया, ये जो मेरा फिजिकल एनवायरनमेंट था laptop.nid, labnetwork.nid और omnetpp.in, इससे आपका फिजिकल नेटवर्क क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इस फिजिकल नेटवर्क को रन भी तो करना है, तो रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। तो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करूँगा, मैं फादर नोड में कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। तो फादर नोड क्या था मेरा, laptop.h, मतलब जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है, laptop.h और laptop.cc। तो h फाइल क्या होती है, जहाँ पर आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो। ठीक है, तो अब ये C++ को फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट वी हैव टू इंक्लूड द omnetpp.h यूजिंग नेम स्पेस omnetpp। अब C++ में क्या होती है, क्लासेस होती है, क्लास क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स। तो ये किस क्लास से इनहेरिट है, ये है पब्लिक सी सिंपल मॉड्यूल क्लास से इनहेरिट है। इसका मीनिंग क्या है कि जितनी भी सी सिंपल मॉड्यूल के फंक्शंस हैं वो किस में इनहेरिट हो गए, अब लैपटॉप वाली क्लास के अंदर हो गए। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है,
अब मैं ये कहता हूँ कि जो प्रोटेक्टेड वाली क्लास है, जो प्रोटेक्टेड मेरे वेरिएबल हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ. द फर्स्ट वन इज इंटीजर एड्रेस, द सेकेंड वन इज सी गेट एस्ट्रिक इन एंड सी गेट एस्ट्रिक आउट. तो यहां पर मैंने तीन वेरिएबल क्रिएट किए. मैंने डेफिनेशन सिर्फ क्रिएट की है, मैंने उनकी डेफिनेशन दी नहीं है अभी, मतलब उनका यूटिलाइजेशन भी नहीं किया, सिर्फ वेरिएबल क्रिएट किए. क्योंकि जो डॉट एच फाइल होती है वहां पर आप क्या करते हो, वेरिएबल्स क्रिएट करते हो. तो मैंने तीन वेरिएबल क्रिएट की, एड्रेस, इन और आउट. अब ये जो एड्रेस वेरिएबल है ये किसको फैच करने के लिए, ये फैच करने के लिए लैपटॉप आईडी को. और जो सी गेट वेरिएबल्स हैं इन और आउट, ये किसको फैच करने के लिए, लैपटॉप इन और लैपटॉप आउट को फैच करने के लिए. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तीन वेरिएबल्स हैं इनको मुझे डॉट एच फाइल डॉट सी सी फाइल तक पहुँचाना है. तो उसके लिए मैंने तीन पैरामीटर क्रिएट किए. द फर्स्ट वन इज एड्रेस, इन और आउट. अब इसका यूज़ हम देखते हैं कहाँ पर होगा. तो मुझे कहाँ यूज़ करना है इसको, लैपटॉप डॉट सी सी में, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ है. तो यहाँ पर दो फंक्शन अवेलेबल हैं जो कि आपने लैपटॉप डॉट एच पे भी देखा था. द फर्स्ट वन इज इनिशियलाइज और द सेकेंड वन इज हैंडल मैसेज. इनिशियलाइज क्या करता है कि जितने भी पैरामीटर्स आपके पास है उनको इनिशियलाइज करना है, मतलब कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा. ठीक है, हैंडल मैसेज क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं और आप बात कर रहे हैं, तो अगर मैंने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया तो जब मेरा पैकेट आपके पास ट्रेवल होगा, मतलब आपके पास पहुंचेगा, तो आप उसे किस तरह से हैंडल करोगे. फिर जो भी मैसेज आप मुझे भेजोगे तो मैं उसे किस तरह से हैंडल करूंगा. तो हैंडल मैसेज याद रखना, हैंडल मैसेज इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम चलता है जब तक आप उसके रोकते नहीं हो, और इनिशियलाइज एक बार चलता है पूरे कोड में. तो आप लैपटॉप डॉट सी सी पे गए. अब इनिशियलाइज मुझे क्या करना है, तीन चीज़ें करनी है. द फर्स्ट वन इज एड्रेस, इन और आउट. तो अब जो एड्रेस है वेरिएबल, उसको मैं पैर फंक्शन की हेल्प से, पैर मतलब पैरामीटर. ठीक है, तो पैरामीटर मेरा क्या था, द फर्स्ट वन इज लैपटॉप अंडरस्कोर आईडी. तो मुझे उसे फैच करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, लैपटॉप अंडरस्कोर आईडी. मतलब अब ये कहने का मतलब क्या है, जो लैपटॉप आईडी है ना, वो पैरामीटर पैर फंक्शन के थ्रू फैच हो चुकी है और उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर हो चुकी है, एड्रेस के अंदर. ठीक है, अब द सेकेंड फंक्शन क्या है, द सेकेंड फंक्शन इज इन और आउट. ठीक है, तो मैंने लिखा इन, और अब वो क्या है, गेट्स हैं. तो मैंने लिखा गेट, और मेरा पहला गेट क्या था, इन गेट लैपटॉप अंडरस्कोर इन. तो उससे मैं क्या लिख दूंगा, दिस वन. और थर्ड क्या है, अगेन गेट्स, और यहां क्या लिखूंगा, लैपटॉप स्कोर आउट. यहां तक मैं आपको वापस समझाता हूं कि एड्रेस में मैंने पैर फंक्शन की हेल्प से मैंने क्या फैच किया, लैपटॉप अंडरस्कोर आईडी, मतलब लैपटॉप अंडरस्कोर आईडी की वैल्यू कहां स्टोर होगी, एड्रेस के अंदर. और जो मैंने दो वेरिएबल बनाए थे इन और आउट, उसमें मैंने क्या वैल्यू डाल दी, लैपटॉप अंडरस्कोर इन की और लैपटॉप अंडरस्कोर आउट की वैल्यू डाल दी है मैंने. ठीक है, यहां पर गेट्स नहीं होगा, गेट होगा. देखिए अब कलर चेंज हो गया. तो मैंने ही क्या कहा था कि जो इनिशियलाइज होता है वो क्या होता है कि आपको कम्युनिकेशन कहां से स्टार्ट करना है, आपकी इनिशियल वेरिएबल्स क्या होंगे. तो फॉर एग्जांपल मुझे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है नोड वन से, यानी कि लैपटॉप वन से. तो मैं क्या करूं, तो मुझे कुछ कंडीशन लिखनी होगी. अभी एड्रेस में क्या स्टोर होगा, लैपटॉप आईडी. और मैंने यहां पर लैपटॉप आईडी यहां पर क्या दी थी, लैपटॉप टू को लैपटॉप टू, मतलब लैपटॉप आईडी टू दी थी, और लैपटॉप वन को कौन सी आईडी दी थी, वन दी थी. तो अगर मैं लिखूं इफ एड्रेस इक्वल्स टू इक्वल्स टू वन, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इफ एड्रेस इक्वल्स टू वन मैंने वैल्यू दी, तो अब एड्रेस में क्या पड़ा है, वन. और एक्चुअल में एड्रेस में क्या था, लैपटॉप आईडी. तो लैपटॉप आईडी को वैल्यू कौन सी असाइन होगी, वन. तो कौन सा नोड कॉल होगा, अब देखिए यहां पर कौन सा नोड कॉल होगा, दिस वन, लैपटॉप वन. मतलब कम्युनिकेशन कहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, लैपटॉप वन से स्टार्ट कर रहा हूं.
तो लैपटॉप वन पर मैं क्या करता हूँ, एक इवेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि वहाँ पर एक सेल्फ मैसेज क्रिएट हो। सेल्फ मैसेज मतलब खुद ही आप पैकेट मतलब खुद नोड अपना पैकेट चेक करे कि वो सेल्फ मैसेज है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक सी मैसेज टाइप का मैसेज जनरेट किया, उसको मेमोरी मैंने कौन सी दे दी, सी मैसेज टाइप की दे दी, ठीक है। क्योंकि सी प्लस प्लस में मेमोरी किसे अलॉट होती है, न्यू ऑपरेटर से। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया विच नेम इज इवेंट, उसको मेमोरी किस टाइप की थी मैंने, सी मैसेज टाइप की, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंने इवेंट बनाया विच नेम इज आल्सो इज इवेंट, उसको मेमोरी अलॉट कर दी मैंने सी मैसेज टाइप की, उसको मुझे स्केड्यूल करना है, ठीक है। तो मैं स्केड्यूल किस पे करता हूं, मतलब मैं एक टाइमलाइन सपोज करता हूँ कि एक टाइमलाइन जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो मुझे उस इवेंट को मैंने स्केड्यूल कर दिया एक जीरो टाइमलाइन पे। तो अगर मुझे लिखना है स्केड्यूल, अगर आप शॉर्टकट की दबाएं कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तो यहां पर सारे फंक्शन कॉल हो जाएंगे। तो इसमें से मुझे सेलेक्ट करना है स्केड्यूल एट, तो मैंने सेलेक्ट किया, यहां पर मैं लिखता हूं जीरो, और मुझे किसको स्केड्यूल करना है, इवेंट को। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इफ एड्रेस इक्वल टू वन, वहां पर मैंने एक इवेंट बनाया सी मैसेज टाइप का, उसको मेमोरी अलॉट कर दी न्यू से, और उसको स्केड्यूल कर दिया जीरो कॉमा इवेंट से। अब देखें होता क्या है, तो देखते हैं। तो बिल्ड करें, बिल्ड किया, अगेन मैं गया रन एज, अब आप देखिए रेड बॉक्स इस पे आ रहा है, रेड बॉक्स आ रहा है लैपटॉप वन पे, क्यों, क्योंकि मैंने लिखा था एड्रेस इक्वल टू वन, ठीक है। तो रेड बॉक्स किस पे आ गया, लैपटॉप वन पे, मतलब कम्युनिकेशन कहां से स्टार्ट होने वाला है, लैपटॉप वन से। तो अगर मैं आप क्लिक करूंगा तो होगा क्या, मैंने कोड कितना सा लिखा है, मैंने कोड लिखा है सिर्फ एड्रेस टू वन, वहां पर एक इवेंट क्रिएट करो और उसको स्केड्यूल कर दो। तो वो इवेंट किस टाइप का था, सेल्फ मैसेज टाइप का था। तो लैपटॉप वन पे एक सेल्फ मैसेज बनेगा और कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा। तो करके देखते हैं, तो मैंने किया, देखो नो मोर इवेंट सिमुलेशन कंप्लीटेड एट इक्वल टू इवेंट एक बना, और इवेंट एक क्या था, सेल्फ मैसेज, यहां तक क्लियर, क्रॉस। अब ये जो इवेंट की वैल्यू है वो कहां पर आई होगी, वो आई होगी आपके हैंडल मैसेज के अंदर, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो इवेंट की वैल्यू है वो कौन हैंडल कर रहा होगा, अब वो हैंडल कर रहा होगा एमएसजी, मतलब इवेंट की वैल्यू को किसने होल्ड कर रखा होगा, एमएसजी ने। तो अब जो भी वर्क होगा वो किसके अंदर होगा, एमएसजी के अंदर होगा। तो फर्स्ट, अब जब हैंडल हुआ तो हैंडल मैसेज का काम क्या है कि मैं आपसे अगर बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हो, तो मैंने कोई पैकेट अगर आपको भेजा है तो आप क्या करोगे, उसे हैंडल करोगे, मतलब उसे चेक करोगे कि वो है क्या, आप उस पर प्रोसीजर आप क्या अप्लाई करना है। तो अगर मैं ऊपर से भेज रहा हूँ सेल्फ मैसेज, तो मैंने एड्रेस कोस्ट टू वन पे एक सेल्फ मैसेज जनरेट किया, मतलब खुद ही पे एक मैसेज मैंने बनाया। तो अब मुझे चेक करना है, मतलब मेरे पे ही आ रहा है तो मुझे हैंडल करना है उसे। तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं ही चेक करूँगा कि जो मैंने इवेंट जनरेट किया है वो क्या मेरा है या नहीं है। तो मैं क्या लिखता हूँ, एक और लाइन लिखता हूँ इफ, अब वो वर्क किस पे होगा, एमएसजी के ऊपर होगा, क्योंकि इवेंट पे तो होगा नहीं, इवेंट की तो वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, एमएसजी पे। तो मैं एमएसजी कर लूँगा, तो एमएसजी, अब MSG जो फंक्शन है उसके एसोसिएट फंक्शन अगर आपको कॉल करने हैं तो आप क्या लिखोगे, डैश एरो, और डैश एरो अगर मैं लिखता हूं तो मुझे क्या चेक करना है कि वो मेरा सेल्फ मैसेज है या नहीं है। तो यहां से मुझे फंक्शन कॉल करना है इज सेल्फ मैसेज, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब अगर इस सेल्फ मैसेज अगर मैंने लिया तो मुझे करना क्या है, अब मुझे करना ये है कि सिंपल सा मैं एक और सी मैसेज टाइप का इवेंट क्रिएट करता हूँ या एक अदर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसे सेंड क्या कर दूंगा, अपने आउटगेट पे। तो मैंने लिखा सी मैसेज एस्ट्रिक, मैं लिख दिया पी वन, उसको मैं अलॉट कर दी मेमोरी सी मैसेज, और से मैं कहाँ सेंड कर देता हूँ, सेंड पी वन को मैंने कहाँ सेंड कर दिया,
अपने आउट गेट पे, आउट ही आ गया ना, देखो यहां पर आउट गेट होगा, तो मैंने अपने आउट गेट पे कर दिया। अब अगर मैं इसे रन करके देखूं, पहले बिल्ड करना होगा, और क्या करना होगा, रन एज ओमलेट प्लस प्लस। तो लैपटॉप वन पे क्यों आ रहा है, क्योंकि लैपटॉप वन पे एड्रेस मैंने कोस्ट टू वन का रखा है, मतलब यहां पर सेल्फ मैसेज जनरेट होगा। अब होगा क्या कि जैसे ही सेल्फ मैसेज जनरेट हुआ तो वो हैंडल मैसेज पे आएगा, मतलब मेरे लैपटॉप वन पे आएगा, और लैपटॉप वन पे जब वो आएगा तो मुझे क्या करना है, एक और मैंने कुछ ऑब्जेक्ट बनाया और उसे सेंड कहाँ कर दिया, अपने आउट गेट पे, तो आउट गेट से तो निकलेगा, तो कितने इवेंट क्रिएट होने चाहिए, दो। तो प्ले करके देखते हैं, स्टेप रन करते हैं, पहले एक सी मैसेज बना सेल्फ मैसेज, ठीक है, और अगेन मैंने प्ले किया तो देखिए यहां पर दो इवेंट आ रहे हैं, द फर्स्ट वन इज सेल्फ मैसेज और द सेकेंड वन इज जो मैंने पी वन ऑब्जेक्ट बनाया था उसे आउट गेट पे मैंने सेंड कर दिया था, तो यहां पर मैंने ओके किया और क्रॉस किया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं ये तो कितनी बार चलेगा, अब मैंने शुरुआत में क्या कहा था, हैंडल मैसेज दो बार चलेगा, वो दो बार नहीं इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम चलेगा, पर अगर मैंने इतना सा कोड लिखा इफ एमएसजी इफ सेल्फ मैसेज, तो ये कितनी बार चलेगा, सिर्फ दो बार। क्यों, क्योंकि हैंडल मैसेज को अब कोई कोड मिल ही नहीं रहा, तो हैंडल मैसेज कब एग्जिट हो जाता है, जब भी उसके पास कोई कोड नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एल्स पार्ट लिखूं, और एल्स पार्ट में मैंने अगेन वापस इसी इवेंट को अगर मैं क्रिएट कर दूं, इसी को वापस चलाऊं पी टू की हेल्प से, तो अब होगा क्या, देखो सेल्फ मैसेज तो एक बार रन हुआ, पर एल्स वाला पार्ट तो इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम्स रन होगा ना, तो अगर मैं इसे प्ले करूं बिल्ड करके, तो क्या होगा, अगर मैं इसे प्ले करूं तो एक बार तो सेल्फ मैसेज बना, उसके बाद चेक किया सेल्फ मैसेज नहीं है तो सेंड कर दिया, सेंड करने के बाद अगेन सेंड होगा, तो एल्स वाले पार्ट में जाता रहेगा, तो ये इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम चलता रहेगा कोड आपका। तो आया हैंडल मैसेज, तो अगर हैंडल मैसेज को मुझे रोकना है तो मुझे एक काउंटर कंडीशन लगानी पड़ेगी, मतलब मुझे एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा और उसे स्टॉप करना पड़ेगा। अब ये सारा काम तो मैंने किस पे किया था, ये सारा काम तो मैंने एक सिंपल मैसेज की फॉर्म पे कर दिया था, पर अगर आपको ये काम किसी पैकेट पे करना है, मतलब पैकेट का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, ये तो सिंपल मैसेज है ना, मतलब इस एक तो ये मैसेज सिर्फ ओनली एक इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, पर मुझे अगर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पैकेट फॉर्म में मैसेज को लेना पड़ेगा, मतलब पैकेट की फॉर्म पे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि एक कम्युनिकेशन कैसे होता है एक नोड से दूसरे नोड पे, है ना। तो पैकेट फाइल कैसे बनती है ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, तो पैकेट फाइल के लिए हम न्यू पे जाएंगे, और न्यू पे जाके हम अगर यहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे मैसेज डेफिनेशन, तो मान लो कि मैं एक पैकेट बनाता हूं विच इज नेटवर्क लेयर का पैकेट बना देता हूं, एन अंडरस्कोर पी डी यू, ठीक है। देखो कम्युनिकेशन कैसे होता है कि सेवन लेयर्स होती है ओएसआई मॉडल के, एप्लीकेशन लेयर टू फिजिकल लेयर, तो मैं अभी पूरी लेयर्स तो आपको डिफाइन नहीं कर सकता, तो मैं ये कह रहा हूं कि हम एक अजम्पशन लेते हैं कि नेटवर्क टू नेटवर्क लेयर हम ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो मैंने उसका एक पैकेट बना दिया एन अंडरस्कोर पी डी यू, पी डी यू मीन्स पैकेट डेटा यूनिट, और एन का मतलब यहां पर नेटवर्क है, तो नेक्स्ट क्लिक किया। अब यहां पर दो ऑप्शन है एम टी और न्यू, तो मुझे सेलेक्ट क्या करना है, न्यू मैसेज फाइल, एम टी सेलेक्ट करूंगा तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा वो मैसेज है पैकेट है या क्लास है कुछ भी, तो न्यू पे मैंने क्लिक किया और यहां से मैंने ऑब्जेक्ट टाइप क्या कौन सा सेलेक्ट किया पैकेट, ठीक है, और नेक्स्ट क्लिक किया फिनिश। अब देखो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पैकेट के कुछ पैरामीटर्स डिफाइन हो जाएंगे,
ठीक है, मैं चाहता हूं कुछ अपने हिसाब से पैकेट के पैरामीटर हो। द फर्स्ट वन इज मैं कहता हूं कि इंटीजर एक पैकेट की आईडी हो, स्ट्रिंग पैकेट का टाइप हो, स्ट्रिंग पैकेट सोर्स एड्रेस हो, स्ट्रिंग पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस हो। ठीक है, तो ये जो पैकेट मैंने बनाया ये कितनी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है कि उसका आईडी क्या है, उसका टाइप क्या है, उसका सोर्स एड्रेस क्या है, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। अब क्या होगा अगर इस पैकेट पे वर्क करना है तो मुझे इस फाइल को कहां इंक्लूड करना होगा, लैपटॉप डॉट एच फाइल में। तो इंक्लूड कैसे करते हैं, हैश इंक्लूड। अब पैकेट का मतलब पैकेट का फाइल नेम क्या था, एन अंडरस्कोर पी डी यू। अब आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपके पैकेट का फाइल नेम है उसके बाद आपको क्या लगाना है, अंडरस्कोर एम डॉट एच। तो यहां क्या लिखूंगा, अंडरस्कोर एम डॉट एच। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने इस फाइल को कंपाइल नहीं किया, मतलब अगर मैं जब कंपाइल करूंगा तभी तो इसके एसोसिएट फंक्शन इसके साथ अटैच होंगे। तो अगर मैं इसे बिल्ड करता हूं, तो देखो अब ये हट गया, मतलब अब इस फाइल पे वर्क किया जा सकता है। तो अब यहां तक आप समझ चुके हैं कि पैकेट फाइल आपको कैसे बनानी है, आपको एनईडी फाइल कैसे क्रिएट करनी है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहां तक आपका सारा प्रोसीजर क्रिएट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।